हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए सिलेक्शन रूल को देखेंगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं, या हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसमें किस किस ट्रांजिशन की इंटेंसिटी हाई होगी और किस किस ट्रांजिशन की इंटेंसिटी लो होगी, और वो किस पर डिपेंड करेगा, स्पिन सिलेक्शन रूल्स पर। और ये रूल दो हैं, फर्स्ट है स्पिन सिलेक्शन रूल और सेकंड है लेपर्ड सिलेक्शन रूल। तो जो ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल को फॉलो करेंगे वो अलाउड होंगे और उनकी इंटेंसिटी हाई होगी, और जो इनको फॉलो नहीं करेंगे वो कहलाएंगे फॉरबिडन ट्रांजिशंस और उनकी इंटेंसिटी लो होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्शन रूल्स फॉर डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन के लिए चयन नियम। सेलेक्शन रूल्स वो होते हैं जो किसी भी ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं। जो ट्रांजिशन सेलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं वो अलाउड ट्रांजिशन कहलाते हैं और इनकी इंटेंसिटी हाई होती है, और जो ट्रांजिशन सेलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करते उनको कहते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन और इनकी इंटेंसिटी लो होती है। फॉरबिडन ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं होता कि ये ट्रांजिशन होते ही नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है फॉरबिडन का कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है इन ट्रांजिशन की वो बहुत कम होती है। अलाउड ट्रांजिशन की तुलना में फॉरबिडन ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए इनको फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। अब सिलेक्शन रूल दो टाइप के हैं, स्पिन सिलेक्शन रूल और लेपर्ड सिलेक्शन रूल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्पिन सिलेक्शन रूल को। स्पिन सिलेक्शन रूल को स्पिन या मल्टीप्लिसिटी रूल भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो इसका रूल है वो है कि जो डेल्टा है एस है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, उसकी वैल्यू जीरो होगी, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, मल्टीप्लिसिटी होती है 2s+1। यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर जो s है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। हमें पता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चार क्वांटम संख्या होती है n, l, m और s, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो जो s है स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पर शो हो रही है 2s+1, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। डेल्टा s इक्वल टू जीरो का मतलब है कि जिन भी दो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है उनकी मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम मल्टीप्लिसिटी वाले एनर्जी लेवल्स में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकता है, और जो इस रूल को फॉलो करता है करते हैं वो ट्रांजिशन कहलाते हैं अलाउड ट्रांजिशन। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें एक D2 कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, वो वीक ऑक्टाहेड्रल लिगेंड के प्रेजेंस में कौन कौन से ट्रांजिशन है जो स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस होंगे। यहाँ पर कुछ टर्म सिंबल्स दिए गए हैं D2 कॉन्फ़िगरेशन के, D2 कॉन्फ़िगरेशन के यहाँ पर कुछ टर्म सिंबल्स दिए गए हैं। अब टर्म सिंबल क्या है ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, लेकिन टर्म सिंबल का जो फॉर्मूला है वो होता है 2s+1 lj। जो 2s+1 है वो है मल्टीप्लिसिटी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन मल्टीप्ल को ये शो करती है। तो इसकी वैल्यू D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगी, जब हम S का मान यहाँ पर रखेंगे तो वो होगा दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ½ + ½ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो जो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 1+1, That means 3।
यहाँ पर तीन प्रकार के ट्रांजिशन शो किए हुए गए हैं, तो इसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से ट्रांजिशन है जो अलाउड है और कौन कौन से ट्रांजिशन है जो फॉरबिडन है। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन है वो है 3T1G से 3T2G में, सेकंड है 3T1G से 3T1G में, और तीसरा है 3T1G से 3A2G में। तो यहाँ पर ये सारे ही जो ट्रांजिशंस हैं वो अलाउड है अकॉर्डिंग टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल, क्योंकि इन सब की जो मल्टीप्लिसिटी है वो 3 है और वो सभी के लिए सेम है। तो ये सारे जो ट्रांजिशंस है वो क्या है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस। यहाँ पर जो टी है वो शो करता है ट्रिपली डीजनरेट स्टेट को, और जो ये ए है वो शो करता है सिंगली डीजनरेट स्टेट को, और एफ और पी ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं जिनको हम आगे के वीडियोस में। अब हम बात करते हैं स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस की या स्पिन डिसअलाउड ट्रांजिशन वो क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, जिनमें डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू जीरो वो क्या कहलाएंगे, स्पिन फॉरबिडन या नॉट अलाउड ट्रांजिशन। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है इलेक्ट्रॉन जिन दो एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन कर रहा है अगर उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट है तो वो कहलाएंगे स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। इसको हम एक केस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक D5 कॉन्फ़िगरेशन का एक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जो मैग्नीज प्लस टू आयन है उसका यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और इसकी कुछ एनर्जी लेवल्स है उसको यहाँ पर शो किया गया है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी ट्रांजिशन यहाँ शो किए गए हैं उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट है। यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रांजिशन है उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो लोअर एनर्जी लेवल की है वो है 6 और हायर एनर्जी लेवल की है 4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल को ओबे नहीं किया जा रहा है, यानी कि जो ट्रांजिशंस हैं ये फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज होती है तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी चेंज होता है, दैट मीन्स जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर भी चेंज हो जाता है, इसलिए इन ट्रांजिशंस को कहा गया है फॉरबिडन ट्रांजिशन, और इनकी जो इंटेंसिटी होती है बैंड्स की वो लो होती है। अब कुछ कई बार जो होता है स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस की वजह से जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उसमें कुछ लो इंटेंसिटी की पीक्स या स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है, तो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसको हम बोलते हैं पार्शली स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस। और इसका रीजन क्या है, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, ये कुछ रिलैक्सेशन है स्पिन सिलेक्शन रूल के साथ कि जब स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग हो जाती है तो वहाँ पर पार्शली स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस हो जाते हैं, और उनकी वजह से लो इंटेंसिटी के बैंड्स मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। सेकंड है लैपोर्ट सिलेक्शन रूल या ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। इसमें क्या होता है कि जिन ट्रांजिशंस में डेल्टा एल इज नॉट इक्वल टू जीरो है वो ट्रांजिशंस को कहलाते हैं लैपोर्ट अलाउड ट्रांजिशन, और जिन ट्रांजिशंस के लिए डेल्टा एल इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होता है वो कहलाते हैं लैपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस। और लैपोर्ट फॉरबिडन जो ट्रांजिशंस होते हैं उनकी इंटेंसिटी होती है वीक, जबकि जो लैपोर्ट अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं उनकी इंटेंसिटी होती है हाई। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, सबसे पहले तो एल क्या है, एल है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स हैं, उनमें से जो सेकंड क्वांटम नंबर है वो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए उसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, तो
तो उसको बोलते हैं सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के साथ उसका वेव फंक्शन जुड़ा होता है, और जब उसमें सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट होती है तो उसको बोलते हैं हम जीरेड मॉलिक्यूल, और उसको हम जी से डिनोट करते हैं। अगर उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट नहीं होती तो उसको अनजीरेड और ऑड स्टेट के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, और उसको हम यू से डिनोट करते हैं। इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स एस पी डी और एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। एस ऑर्बिटल की जो सिमेट्री होती है वो होती है स्फेरिकल, यानी कि उसके जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसके चारों ओर सेम एनवायरनमेंट होता है। उसके सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं तो हमें सेम एनवायरनमेंट अगर मिलता है तो हम उसको बोलते हैं जेड मॉलिक्यूल या जेड ऑर्बिटल। लेकिन अगर हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री से अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर अपोजिट एनवायरनमेंट मिलता है तो हम उसे बोलते हैं विषम ऑड या अनजीरेड, और हम उसे डिनोट करते हैं यू से। तो एस ऑर्बिटल जीरेड होते हैं और पी ऑर्बिटल अनजीरेड होते हैं, जबकि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो जीरेड होते हैं, क्योंकि उनमें जब सेंटर ऑफ सिमेट्री से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें सेम एनवायरनमेंट मिलता है, इसलिए इनको हम जीरेड कहते हैं। इसी वजह से जो डीडी ट्रांजिशंस होते हैं वो क्या होते हैं, लेपर्ड फॉरबिडन होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स है लोअर एनर्जी और हाई एनर्जी वो सेम जीरेड स्टेट में होते हैं, और वहाँ पर लेपर्ड फॉरबिडन। लेकिन कुछ डीडी ट्रांजिशंस हैं वो हमें शो होते हैं, उसका रीजन है कि वहाँ पर क्या हो जाता है, लेपर्ड सिलेक्शन जो रूल है उसमें रिलैक्सेशन आ जाता है। उसकी जो रीजन है वो है पी डी मिक्सिंग। पी और डी ऑर्बिटल में क्या हो जाती है, मिक्सिंग। जिस प्रकार से स्पिन सिलेक्शन रूल में भी रिलैक्सेशन था, उसी प्रकार से लेपर्ड ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल में भी डीडी ट्रांजिशन में रिलैक्सेशन देखा गया है। यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, उनमें लेपर्ड अलाउड ट्रांजिशंस को शो किया है। जैसे अगर एस से पी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होता है तो एस जीरेड होता है और पी ऑर्बिटल अनजीरेड। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो डेल्टा एल की वैल्यू है वो क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए हम इन्हें कहेंगे लेपर्ड अलाउड ट्रांजिशंस। ऐसे ही अगर पी से एस में होगा तो भी लेपर्ड अलाउड होगा, और पी से डी में होगा तो भी वो लेपर्ड अलाउड होगा, क्योंकि पी अनजीरेड है और डी जीरेड है। ऐसे ही डी से पी में होगा तो वो भी लेपर्ड अलाउड होगा। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है निकल का, उसमें लेपर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशंस को शो किया गया है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें स्पिन सिलेक्शन रूल तो फॉलो हो रहा है, लेकिन A2G से T2G में जा रहा है, तो यहाँ पर जो है डेल्टा एल की वैल्यू वेरी कर रही है। वो किस प्रकार से वेरी कर रही है वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक जब टर्म्स पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएंगे। तो ये तो बात हो गई स्पिन सिलेक्शन रूल की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टर्म सिंबल्स को देखेंगे कि टर्म सिंबल्स क्या है, क्योंकि जब तक टर्म सिंबल्स हम समझ नहीं पाएंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी या स्पिन सिलेक्शन रूल और लेपर्ड